अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ अस्तर वाली कुर्ती के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे 2 मीटर का साटन फैब्रिक ले रखा है अस्तर के लिए, और ये है मेरा जॉर्जेट फैब्रिक जिस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये देखिए, ऊपर हम इस कपड़े को लगाएंगे, पूरा जॉर्जेट में है, पूरे पर एम्ब्रॉयडरी है। ये जो मैंने ले रखा है यहाँ पर, मैंने ये गले के लिए बुकरम ले रखी है, और ये गला कटा हुआ हमने पेपर पे कट कर लिया था डिज़ाइन, तो ये वो है। तो इसको हम बाद में बुकरम पे कट करेंगे। तो चलिए पहले कुर्ती बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले अस्तर का कपड़ा जो 2 मीटर लिया था उसे पूरे खोल लिया है। खोलने के बाद ये देखिए डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है, किनारी अपने तरफ रखनी है। पहले हम इसे नाप ले रहे हैं कि कितना नाप है। कमीज की जो लंबाई ली है वो ली है मैंने 42 इंच के हिसाब से, और आपकी जो लंबाई हो, जो भी आपकी लेंथ हो, आप उस हिसाब से लीजिएगा। ये देखिए मैंने कपड़े को 4 तय कर लिए हैं, साइड से भी इसे फोल्ड कर दिया है, जितनी भी हमें अपने कपड़े की चौड़ान देनी है तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने चौड़ाई ली है वो ली है 11 इंच की। मैंने यहाँ पहले अपने अस्तर की कटिंग करी है। अगर आप चाहें तो पहले अपर वाले फैब्रिक की भी कटिंग कर सकते हैं जो आप ऊपर लगाएंगे अस्तर के। जितनी मार्किंग करी है उतना कपड़ा कट करके हमने निकाल लिया है, हमारी लंबाई और चौड़ाई कमीज की जो है। अब इसके बाद हमें अपने नेक के लिए, शोल्डर के लिए और हम ओल के लिए निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर पहले नेक के लिए निशान लगाया है लंबाई में 3 इंच, और इसको हमें कितना गहरा रखना है गले को, तो हमने वहाँ 2 इंच निशान लगाया। अब ये देखिए मैंने चौक से मार्किंग कर दी है अच्छी तरह, गोलाई लेते हुए गले के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमारी कंधे की चौड़ाई है तो हमें वो नापनी है। आप अपने हिसाब से सारे मेजरमेंट्स लीजिएगा, आप जितना रखते हैं। तो मैंने यहाँ अपने कंधे की जो चौड़ाई है वो 5 इंच ली है। अब मैंने आर्म होल के लिए यहाँ पर अपने ही हाथ से मार्क कर लिया है, क्योंकि मेरा एक बारिश सही रहता है तो मैंने एक बारिश लगाया है। यहाँ मैं अपर वेस्ट मार्क करना भूल गई थी, तो मैंने लिख दिया है यहाँ 11 इंच, यानी जो हमारा चेस्ट साइज होता है। अब यहाँ पर मैंने कमर के हिस्से के लिए लगाया है, तो मैंने यहाँ 10 इंच लगाया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 इंच का जो निशान लगाया है वो वहाँ से हम कटिंग करेंगे, कटिंग के लिए निकाल लेंगे। और ये मैंने लिया है हिप वाला पोर्शन, तो ये मेरा 11 है। ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से हम कपड़ा कट करेंगे, और एक और हम इसके अलावा निशान लगाएंगे जो कि हमारी सिलाई के लिए होगा। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग करी है वहाँ हमें 2-2 सेंटीमीटर छोड़ देना है स्टिचिंग के लिए, उसके बाद हमें कटिंग करनी है। अब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया था मैं वहाँ वहाँ से कट कर लूँगी। और कटिंग करते में भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई के लिए जो कपड़ा हमें छोड़ना था वो बचा रहे, ताकि हम उस पर जब सिलाई लगे तो हमारी फिटिंग सही से आए। अभी देखिए मैंने मुड्डा भी कट कर दिया है। अभी हमारा जो है गला जो हम कट करेंगे, तो उसके लिए पहले मैंने कपड़े को खोल लिया है ऊपर से। देखिए हमारा कपड़ा जॉइंट है, जो शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ से जॉइंट है, तो दोनों को मैंने अलग कर लिया है ताकि हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग आ जाए। तो ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है, तो मैं पहले इसको ले लूँगी और इसको अच्छे से फैलाने के बाद मैं इसको डबल फोल्ड करके रखूँगी इस तरह से। अभी देखिए हमें इसका क्या करना है, ऊपर से गला कट करना है हमें। तो मैंने इस पर पहले गले का जो निशान लगाया था, तो हमें सिर्फ वो बैक पार्ट पे ही कटिंग करनी है गले की। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका गला मैंने कट नहीं करा है, बस बैक पार्ट का ही गला कट करा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने गला अपना डिज़ाइन वाला बनाना है। तो ये देखिए मैंने जो पेपर पर कटिंग करके रखी हुई थी, तो हमें वो बनाना है। गला बनाने से पहले हमने जो अपना जॉर्जेट का फैब्रिक ले रखा था, तो हम पहले उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है अपने जॉर्जेट के फैब्रिक को, और जिस तरह हमने अस्तर वाले कपड़े को, जो हमारा इंदर वाला कपड़ा है, हमने जिसकी कटिंग करी थी, तो ऐसे ही हमें अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को भी कट करना है। अब ये देखिए जिस पर कढ़ाई नहीं हो रही थी तो मैंने उसको फोल्ड कर दिया है, और जो हमने अपने अस्तर वाले कपड़े की कटिंग करी थी उसको इसी तरह से हमें रखना है, और रख करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से रख कर और निशान लगा लिए हैं। पहले मैंने बैक पार्ट रखा है और ऊपर, और इस तरह से रख करके उसके मुड्डे पर और उसके गले पर निशान लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से निशान लगाया है,
ऐसे ही मैंने साइड में निशान लगा लिया है। हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जिस पर हमारी डिज़ाइन नहीं बना हुआ है, तो वो कपड़ा हमारा अलग निकल जाएगा। अब ये देखिए, निशान लगाने के बाद अच्छे से मैं इस कपड़े को सेट कर लूँगी, ताकि हमारी जब कटिंग हो तो वो अच्छे से निकल के आए, कपड़ा सरकेगा नहीं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से जो साइड में निशान लगाया था वो वाला हिस्सा, और जो मुड्डे का निशान लगाया था यानी आसीने जहाँ लगेंगी वो वाला निशान लगाया है, वो वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया है इस तरह, और कट करके मैंने अलग निकाल लिया है। तो ये देखिए, जो हमारा जो हम कमीज लग बनाएंगे तो वो हमारा पार्ट निकल के अलग आ गया है। और ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ था, तो हमारा आगे और पीछे का दोनों हिस्सा है, तो हम इसी तरह से कट कर लेंगे ताकि हमारे दोनों फैब्रिक अलग अलग हो जाएं। मैंने गला अभी तक कट नहीं करा है। तो ये देखिए, हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकल के अलग आ गया है। अब जो हमारा बैक पार्ट है, तो हम उसका गला कट करेंगे। तो जो हमने अस्तर पे बैक पार्ट का गला कट करा था, उसके ऊपर हम अपना जॉर्जेट का फैब्रिक रखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपना अस्तर का कपड़ा रखा हुआ है, तो अस्तर का कपड़े का जो हमारा सीधा साइड है उसके ऊपर हमने अपना सीधा साइड जॉर्जेट वाला रखना है, यानी जो हमारा दोनों कपड़ों का सीधा साइड है ना, जहाँ पर हमारे कपड़े की कढ़ाई हो रही है कपड़े के ऊपर, तो हमें वो एक दूसरे के आमने सामने रखना है। इस तरह रखकर हमें उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह गले पर लगा दीजिए और दोनों मुड्डों पर लगा दीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है, और जो हमारा जॉर्जेट वाला कपड़ा हमने इसमें स्टिच करा था साथ में, तो मैंने उसको अभी कटिंग नहीं करी है। तो पहले हम गले के ऊपर से उसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था गले की साइड से, तो मैंने वो जॉर्जेट का कपड़ा अलग कर दिया है। और ये देखिए, गले पर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, लेकिन हमें अपनी ये ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। इसी तरह मुड्डों पर भी हमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, ताकि जब हम इनको पलटें, दोनों कपड़े को पलटें, तो ये अच्छे से फिनिशिंग दे। तो ये देखिए, मैंने दोनों मुड्डों पर भी कट लगा लिया है और गले पर भी कट लगा लिए हैं छोटे छोटे। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, तो हमारे जो कपड़े की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको पलटने के बाद सेट कर दिया है, ताकि हमारा मुड्डा और गला अच्छे से निकल कर बाहर आ जाए और अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट था उसको भी इसी तरह से अटैच कर दिया है जॉर्जेट के साथ में, लेकिन उसका गला मैंने कट नहीं करा था। तो अब हम कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना जो पेस्टिंग बुकरम है, वो उसको अच्छे से सेट कर लिया है। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पेपर की कटिंग करके रखी थी गले की डिज़ाइन की, उसको अपने पे बुकरम पे रख दिया है। और रखने के बाद मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो आपको जो भी डिज़ाइन बनाना हो, आप उसका का डिज़ाइन का कट करके रख सकते हैं पेपर के ऊपर, और इस तरह से मार्क कर लीजिएगा बुकरम पे रखकर, और फिर बुकरम की कटिंग कर लीजिएगा। जो हमने डिज़ाइन बनाया, हमें सिर्फ बाहर बाहर के डिज़ाइन की बुकरम कट करनी है, अंदर के हम कट नहीं करने हैं। तो ये देखिए, मैंने अलग पीस निकाल लिया है कट करके, जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ था सिर्फ वही। अब जो हमने अपना कपड़ा ले रखा है अस्तर वाला, तो हमें वही वाला कपड़ा लेना है, और उसके ऊपर हमने अपनी बुकरम इस तरह से सेट कर देनी है रख करके। और उस पर मैंने पिनअप कर दिया है, ताकि हमारी बुकरम इधर उधर ना सरके। तो ये देखिए, मैंने इस पर सब पर पिन लगा दी है। और फिर पिन लगाने के बाद क्या करना है, हमें साइड से कपड़ा कट कर लेना है, और जो हमने अपना बुकरम के पर डिज़ाइन बनाकर रखा हुआ है, तो उससे हमें थोड़ा सा एक उंगली के बराबर छोड़ते हुए, यानी एक उंगल छोड़ते हुए हमें कपड़ा कट करना है। तो ये देखिए, जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया है, इस तरह से कपड़े को छोड़ देना है थोड़ा सा, ताकि जब हम बाद में गले लगाएं तो हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर पहले सेंटर बना लिया है गले का, सेंटर जो हमने लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह फोल्ड करके सेंटर बना लिया है, ताकि दोनों तरफ से हमारा गला इक्वल आए। आप चाहें तो पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा, उसके बाद कटिंग करिएगा। मैंने यहाँ पहले ही कटिंग कर ली है सिलाई लगाने से पहले। तो देखिए, ये जो हमारा कपड़ा था जो हमने ले रखा था फ्रंट वाला, तो हमें पहले इसको सीधी साइड रखना है, यानी जहाँ हमारा डिज़ाइन बना हुआ है वो वाली साइड हमें रखना है। तो ये देखिए, मेरा डिज़ाइन बना हुआ जो कपड़ा है जो सीधा है, उधर की तरफ हमने लिया है और इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, सेंटर में मार्क कर लेना है, जो हमारा सेंटर है फ्रंट पार्ट का, उस पर मार्क कर लेना है। और ये देखिए, जो हमने हमारे गले का सेंटर लिया था वो वहाँ मार्किंग करी है, और उन दोनों को सेंटर को मिलाकर हमने रख करना है, और इस तरह से हमने रख कर इस पर सिलाई लगा देनी है।
तो ये देखिए मैंने रखकर इस पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी। अब हमने क्या करना है, देखना है कि दोनों साइड का गला सही से आया है कि नहीं आया, उसके बाद हमने अंदर से कटिंग करनी है गले की। तो ये देखिए मैंने किस तरह से कटिंग करके गला निकाल लिया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमारा वो हमने निकाल लिया है। अब ये जो हमने कटिंग करी है तो इसके ऊपर हमें छोटी छोटी सी कट्स लगा देनी है, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं पूरे गले के ऊपर। इस तरह से कट्स लगाने के बाद क्या करना है, हमें पीछे की तरफ गले को फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने पीछे की तरफ गले को फोल्ड कर दिया है और पीछे कपड़े को पलट लिया है। तो अब जो हमारे गले की जो कॉर्नर्स बनी हुई है, जो डिज़ाइन हमने बनाया था उसमें कॉर्नर्स है, तो उसमें हमने अंदर कोई नोकीली चीज़ डालकर वो कॉर्नर्स को अच्छी तरह से बाहर की तरफ ले आना है, ताकि हमारी गले की अच्छी फिनिशिंग आए। तो देखिए मैंने किस तरह से कॉर्नर्स निकाल लिए और हमारा कॉर्नर्स जो है गले के वो बाहर आ गए, तो फिनिशिंग अच्छे से आ गई है। अब ये देखिए जो पीछे की साइड हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो उसको हमने गले के अंदर की तरफ मोड़ देना है, और मोड़ने के बाद हमें इस पर पूरे पे तुरपाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ सुई धागा ले लिया है सेम कलर का, और मैंने सुई धागे को फिरोने के बाद में इस पर छोटी छोटी सी दोनों कपड़े को जोड़ते हुए छोटे छोटे से सिलाई ले लेनी है। तो मैंने पहले यहाँ पे पिन अप कर लिया है, इसको पिन लगा लिए हैं ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर सरके ना, क्योंकि हमने डबल फैब्रिक लिया है, जॉर्जेट फैब्रिक भी है हमारा और अस्तर का कपड़ा जो लिया था हमारा वो भी है, तो हमें दोनों को एक से मिलाकर रखना है, ताकि हमारा गला गले पर हैमिंग करते टाइम यानी तुरपाई लगाते टाइम वो ऊपर नीचे ना सरक जाए। अब देखिए हमने क्या करना है, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी टांके लेते हुए हमने दोनों कपड़ों को इस तरह से जोड़ देना है। हमारी सिलाई बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारे जो टांके हैं वो छोटे छोटे ही होने चाहिए, ताकि वो ऊपर की तरफ ना नज़र आए, जो हमारा सीधी साइड है कपड़े का। तो इसी तरह हमारे गले पे पूरे पे तुरपाई हो गई है। अब ये देखिए कितने अच्छे से निकल के आया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट था तो उस बैक पार्ट को हमें अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है, ताकि हमारे दोनों कपड़ों की जो सीधी साइड है वो आमने सामने आए। तो ये देखिए मैंने इस तरह रख लिया, हमारे दोनों कपड़े की सीधी साइड एक तरफ है, और हमने इसके शोल्डर्स पर और इसकी जो साइड्स हैं उस पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद में मैंने इसे सीधा कर लिया था कपड़े को। तो ये देखिए सीधा करने के बाद में मेरी फिटिंग अच्छे से आ गई है। तो ये देखिए किस तरह से आ गई है। अब जो हमारा दामन और चाक है, तो हमने क्या करना है, दोनों कपड़े को पकड़ते हुए यानी अस्तर को भी और जॉर्जेट फैब्रिक को भी दोनों को पकड़ते हुए इसी तरह हमने फोल्ड करके और उस पर तुरपाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, उसके बाद तुरपाई लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्लीव्स बना लेते हैं। तो स्लीव्स यानी आस्तीन बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक था जॉर्जेट का वो ले लिया है, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो ये देखिए डबल फोल्ड रखने के बाद मैंने फोर फोल्ड करके देखा है कि कितना हमारा मुड्ढा आ पाएगा। तो मैंने यहाँ जो स्लीव्स की चौड़ाई ली है वो ली है 17 इंच की। अब जो हम अपना कपड़ा लेंगे आस्तीन के लिए, तो वेल पहले वो कट करके निकाल ले रहे हैं अपनी चौड़ाई के बाद में। तो ये देखिए हमारी चौड़ाई जो थी वो 17 थी, 17 इंच। अब इसकी जो हमने लंबाई लेनी है, तो मैंने यहाँ 14 इंच की लंबाई रखी है। आप जितना लंबा चाहें तो आप उतनी लंबाई रख सकते हैं। ये देखिए मैंने कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा था, अब मैंने इसको इस तरह फोर फोल्ड कर लिया है। फोर फोल्ड करने के बाद में ऊपर वाली कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इस तरह से गोलाई लेते हुए अपनी ऊपर वाला पार्ट स्लीव्स का कट कर लिया है, जिसको हम अटैच करेंगे अपनी कमीज के साथ। अब जो हमने डबल फोल्ड करा था ना, फोर फोल्ड करा था, तो हमें उसको अलग कर लेना है। इस तरह से आड़ा लेते हुए हम पहले इसका शेप दे देंगे स्लीव का, और इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स के जो पार्ट हैं वो निकल के बाहर आ गए। तो ये देखिए दोनों हमारी स्लीव्स के फैब्रिक जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। तो ये हमारे देखिए ऊपर की साइड है।
अब हमने अपने यहाँ पर कमीज़ ले ली है और कमीज़ के ऊपर इस तरह से हमें रखना है और फिर इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद मेरी कमीज़ पूरी तरह से तैयार हो गई है। गले में कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, मैंने ये अटैच कर दिया था यहाँ पर स्लीव्स भी। ये देखिए जो तुरपाई करी थी हमने, ये वो वाला पार्ट है दामन और हमारे चाक, यहाँ पर भी मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए हमारा पूरा फुल लुक आ गया है। मैंने इसको शरारा के साथ पेयर किया था, मैं शरारा का लिंक दे दूंगी वीडियो के एंड में, तो चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कौन सी वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू सो मच।